The most common myths about English grammar in spoken English. और आज मैं उन myths को आपके दिमाग से उखाड़ फेंकने वाला हूँ. उखाड़ना ही पड़ेगा, वो नहीं तो नहीं चलेगा. Hi everyone, जो मुझे नहीं जानते हैं, मैं हूँ सुभाष कार्तिक and I help people to speak English fluently, correctly and impressively. आपको पता है, हजारों साल पहले लोगों को ऐसा लगता था जो हमारी अर्थ है ना वो एकदम फ्लैट है. लेकिन बाद में लोग और जानकार हुए, साइंस और ज्यादा सबके सामने आया और तब जाके पता चला कि अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ तो स्क्वायर है, वो एक राउंड है. बाद में तो ये भी पता चला कि ये एक परफेक्ट राउंड नहीं है. आज मेरा मूड थोड़ा सा ना हिला हुआ है और ये क्यों हिला हुआ है मैं बता रहा हूँ. ये इसलिए हिला हुआ है क्योंकि कुछ ऐसे मिथ्स हैं. मिथ्स का मतलब जानते हैं? मिथ्स का मतलब कुछ ऐसे गलत धारणाएं हैं जो लोग काफी सीरियसली ले लेते हैं. सो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस इंग्लिश ग्रामर के मिथ्स को ताकि हम उस मिथ से बाहर आए और एक अच्छे कम्युनिकेटर जल्द से जल्द हो पाए. इंग्लिश ग्रामर इज द फर्स्ट स्टेप. देयर आर सम कैंडिडेट्स हु कम टू माय वर्कशॉप, दे टेल मी, बिकॉज मैं तो सबका जिबुआ खींच खींच के इंग्लिश बुलवाता हूँ और इसीलिए कुछ लोग मुझसे डर जाते हैं और बोलते हैं सर 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 लेट मी लर्न ग्रामर, पहले थोड़ा ग्रामर सीख जाऊं उसके बाद सर बोलूंगा, अभी प्लीज मुझे मत बोलिए. जी हाँ दोस्तों, इफ यू रियली वॉन्ट टू बी अ वेरी गुड एंड इफेक्टिव इंग्लिश कम्युनिकेटर, योर फर्स्ट स्टेप इज लिसनिंग. सुनिए, सबको सुनिए, जो भी इंग्लिश में बात कर रहा है सुनिए. इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश सॉन्ग्स, इंग्लिश सीरियल्स. सेकेंड स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग. वॉट एवर यू आर लिसनिंग, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, गेट द मीनिंग फ्रॉम द डिक्शनरी. थर्ड इज एनकोडिंग. एनकोडिंग मतलब थिंक स्पीक. ट्रांसलेशन नहीं करना है, सोचना है बोलना है. नाउ नंबर फोर इज योर बॉडी लैंग्वेज. अरे इंग्लिश छोड़ो, जब आप कोई भी लैंग्वेज में बात करो योर हैंड जेस्चर शुड बी देयर. देन द फिफ्थ स्टेप इज इंग्लिश ग्रामर. सो नेवर से दैट इंग्लिश ग्रामर इज द फर्स्ट स्टेप. एवरी इंग्लिश स्पीकर्स नोज इंग्लिश ग्रामर, जो सरासर गलत है. आज कोई भी इंसान अगर इंग्लिश में बहुत फ्लुएंटली और करेक्टली भी बात कर रहा है, जरूरी नहीं है कि दैट पर्सन इज सुपर इन इंग्लिश ग्रामर. फॉर एग्जाम्पल, माई मदर टंग इज बंगाली, इवन आई स्पीक हिंदी ऑल्सो, बट इफ यू आस्क मी हिंदी का ग्रामर, बांग्ला का ग्रामर, आई एम वेरी सॉरी, आई डोंट नो. गाइज अगेन आई एम टेलिंग, ग्रामर इज इम्पोर्टेंट, बट नेवर एवर थिंक दैट एवरी इंग्लिश स्पीकर नोज ग्रामर. अगर लंदन में अगर कोई इंसान झाड़ू मार रहा होगा ना, इवन द स्वीपर, इवन he or she speaks in English, but that doesn't mean that he knows grammar. So please, grammar ka bahana dena band kare, start speaking in English. Okay, that could be a wrong English, chalega, but don't say that grammar jab tak nahi aayega kaise English bole. Never say that. Grammar makes people confident. I can take this sentence that grammar makes people confident because when you know grammar, तो आपको लगता है कि हाँ भाई मैं कुछ जानता हूँ. But this is not the truth. Rather, I will tell you that the opposite is true. The more you are confident, the better you speak. जी हाँ दोस्तों, ऐसे भी लोग हैं जिनका English grammar बहुत तगड़ा है. They write very good English, but when they speak in English, they feel मेरा grammar गलत हो जाएगा. This is not the problem of lack of grammar, this is the problem of confidence, because jo aapko aata hai aap usse santusht nahi ho. The more you speak, you become confident. Grammar is important. Grammar give you some boost in your confidence. Wo aapki confidence ko boost karne mein help karega, but the most important foundation to be confident is start speaking in English. People who speak in English, they are 100% grammatically correct. जो इंसान इंग्लिश में काफी फर्राटे से बोल रहा है वो करेक्ट बोल रहा है. जो इंसान इंग्लिश मीडियम स्कूल से पास होके आते हैं, दे स्पीक 100% करेक्ट इंग्लिश. ऐसा necessarily नहीं है कि ये बात सही है. दोस्तों मैं एक कोच हूँ, आई लिसन टू मेनी स्पीकर्स. मैं आई गो टू कॉलेजेस, आई गो टू स्कूल्स, आई गो टू कॉर्पोरेट्स फॉर देयर कम्युनिकेशन स्किल्स. जी हाँ, एंड बिलीव मी, आई टॉक टू मैनेजर्स, सीईओस, प्रिंसिपल्स. When I talk to them, I find there are people when they speak in English, they make minor mistakes. But they are so confident while speaking that you will not be able to catch them. पहली बात है, आपको तो लगेगा ही नहीं कि वो लोग मिस्टेक
कर भी सकते हैं. दे आर मेकिंग मिस्टेक्स बट दे डोंट केयर फॉर इट बिकॉज दे आर कॉन्फिडेंट एंड फ्रॉम देयर चाइल्डहुड उनके बचपन से ही उनको बोला गया है यू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, यू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, यू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, और वो खुद को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट सोचते हैं. I want to tell you guys, you speak very good English. शायद आपको बोलने वाले लोग नहीं मिले आपको कि आप अच्छे इंग्लिश बोलते हैं. हो सकता है कि आपने खुद को इतना नेगेटिव बोला है आई डोंट स्पीक गुड, आई डोंट स्पीक गुड, यू फील कि यू डोंट स्पीक गुड. वी नीड टू नो ऑल ग्रामर लेसन्स. बिल्कुल नहीं, आपको सारे ग्रामर लेसन्स नहीं आने चाहिए. एक बात बताओ, आप क्या इंग्लिश के कोच बनना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू बी अ कोच इन इंग्लिश? यू जस्ट वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, करेक्टली एंड इम्प्रेसिवली, राइट? एक इंग्लिश होता है इंग्लिश ग्रामर, जिसमें सारे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, इंटरजेक्शन, इतने सारे ग्रामर पढ़ के अच्छा है आप जानोगे, यू विल कम टू नो मेनी थिंग्स, बट दैट विल नॉट मेक यू स्पीक इन इंग्लिश. फॉर स्पीकिंग जो ग्रामर आपको चाहिए वो मैं आपको दूंगा. कैसे? यू ज्वाइन अवर 5-day वर्कशॉप, वी विल गिव यू सच ग्रामर विच आर वेरी रेयर, जो आपको गूगल में, यूट्यूब में नहीं मिलेंगे. सो इफ यू रियली वॉन्ट टू नो दोज ग्रामर विच विल हेल्प यू टू स्पीक इन इंग्लिश, लिंक आपको मिल जाएगा. ज्वाइन अवर 5-day वर्कशॉप अभी स्टार्ट होने वाला है एंड यू विल सी दैट ग्रामर कुड बी फन, ग्रामर कुड बी ईजी. वाओ, ग्रामर सब कुछ नहीं है, ग्रामर एक पार्ट है इंग्लिश कम्युनिकेशन का. ये बात का ख्याल रखें. जरूर नीचे कमेंट कीजिएगा कि हाउ डिड यू लाइक टुडे सेशन. थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेसन. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.